लिए लगा लो, पता रहे। तो वी स्टार्टेड विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जापान द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आई गेव यू इन दिस केस, ओके, वेयर द सीएल इज रिप्लेस्ड बाय ओएच नेगेटिव आयन एंड यू गेट केसीएल। ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल। सर मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाई थी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, द इलेक्ट्रोफाइल इट इज अटैकिंग क्लोरोनियम आयन की हमने एग्जांपल दी थी। रिएक्शन इट प्रोसीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर बेटा, कल मैंने आपको बताया था ये जो H है यहां से इस कार्बन से इट विल रिप्लेस बाय द Cl एंड यू विल बी गेटिंग H पॉजिटिव आयन। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इन द सेम वे वी विल बी प्रोसीडिंग विद द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेयर अ न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैकिंग। ओके, सो राइट डाउन वन रिएक्शन। अगर मैं यही सेम रिएक्शन कंसिडर करूं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि नहीं, where a nucleophile, where a nucleophile is attacking ki nahi, yahan par ye attack karega, okay, and it will replace the cl, kyunki yahan se jo cl jayega ye apne electrons leke jayega, ye maine kal bhi bataya tha aapko, cl negative release hoga, cl positive to jayega nahi, chlorine being an electronegative species। ठीक है, तो वो ये वाले जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, हियर द कार्बन इट विल बी लेफ्ट विद पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, सबसे पहले देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, which reaction intermediate will be formed, carbocation। दिख रहा है ना ये वाला बॉन्ड, इसके पास पूरा ट्रांसफर हो गया, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो हेयर द कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म्ड। आ गया ना अब रिएक्शन के बीच में पहले कार्बोकेटाइन। ओके, अब फिर क्या होगा, ये OH नेगेटिव आयन कह रहा है कि मेरे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। So in this way you will be getting this, so finally ये आपका product बन जाए। यही बनाना था हमने यही बनाना था ना, Cl की जगह हमने OH लगाना था, so we have formed this product, okay? हाँ जी, clear है बेटा कि नहीं, ये देखो लिखा हुआ है Cl negative। हाँ, क्योंकि यहाँ पे OH नेगेटिव आयन अटैक कर रहा है ना इसके ऊपर, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव के ऊपर ही अटैक करेगा, यहाँ पर तो जाएगा नहीं बेटा, वो Cl है वहीं पर ही है। मैंने पहले लिख दिया, डैट मीन्स वो पहले आउट हो चुका है, बाहर चला गया। हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट राइट डाउन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट राइट डाउन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ जी, कल मैंने आपको बताया था फ्री रेडिकल रिएक्शंस कैसे प्रोसीड करती हैं बेटा, हाउ द फ्री रेडिकल रिएक्शंस दे प्रोसीड। फ्री रेडिकल रिएक्शंस कैसे प्रोसीड करती हैं, चेन इनिशिएशन देन चेन
देन चेन टर्मिनेशन, ठीक है। तो पहले चेन इनिशिएट करते हैं, पहले चेन स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट विद सीएल एंड सीएल इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। एरो के ऊपर जो मैं रिएक्टेंट्स लिख रही हूँ दैट मींस दे आर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है। उसका कोई ना कोई रोल होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब आप मैकेनिज्म स्टडी करोगे हर एक रिएक्शन का। ओके, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, यही आएगा। हाँ जी, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। नेक्स्ट राइट डाउन चेन प्रोपेगेशन। नेक्स्ट इज चेन प्रोपेगेशन, प्रोपेगेट करना है, अब हमने उस चेन को चलाना है आगे, ठीक है। क्या करेंगे, ये जो सीएल फ्री रेडिकल है इसने ये मिथेन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक किया, क्या बनेगा? हाँ जी, व्हाट विल बी फॉर्म, व्हाट विल बी फॉर्म, CH3, क्या बनेगा, HCl and CH3, बस फ्री रेडिकल्स में बात करो, ये फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन हो गया तो इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चेन को प्रोपेगेट करते हैं, इस CH3 फ्री रेडिकल में अगेन ClCl जो है वो मिक्स हो गया, अब क्या बनेगा, हाँ जी, व्हाट विल बी फॉर्म्ड नाउ, फ्री रेडिकल को एक फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करवाना है, अब क्या बनेगा, सहज क्या बनेगा, CH3Cl, ये इसको मिल जाएगा एक, तो फ्री रेडिकल दो मिलके, हाँ जी, बनेगा कि नहीं, एक फ्री रेडिकल क्लोरीन अपना ले गया, उसने इसके साथ बॉन्डिंग कर दी है। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे, पहले ये बताओ सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुई है कि नहीं, अब इस स्टेप में आपने मिथेन से स्टार्ट किया था, नाउ यू गेट मिथाइल क्लोराइड, इज द सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड्स इन दिस स्टेप और नॉट, हुई ना, एक सीएल की जगह एक हाइड्रोजन की जगह हमने सीएल लगा दिया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो गई सीएल की। नाउ चेन टर्मिनेशन, हाउ द चेन विल टर्मिनेट, चेन कैसे टर्मिनेट करेगी, खत्म कैसे करनी है हमने, नमन चेन कैसे खत्म करते हैं बेटा, दोनों फ्री रेडिकल्स को क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। अब आपको कौन कौन से फ्री रेडिकल्स जो है वो रिएक्शन में नजर आ रहे हैं, सीएल फ्री रेडिकल्स है, तो सीएल फ्री रेडिकल प्लस सीएल फ्री रेडिकल दे बोथ विल कंबाइन टू गिव अ Cl2, और ये नहीं दिख रहा मिथाइल फ्री रेडिकल, तो दो मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइन कर दो, तो दिस इज हाउ द चेन टर्मिनेट्स, खत्म हो गई यहाँ पर। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा, इज इट क्लियर, लास्ट में हमने चेन खत्म करनी है बेटा, फ्री रेडिकल्स जब तक आप कंबाइन नहीं करवाओगे वो तब तक रिएक्शन करते रहते हैं, ठीक है, तो जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको कंबाइन कर दो बस।
वो आपको एक दिख रहा है ना, बट रिएक्शन जब होगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म. तो हमने CH3 के भी जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको कंबाइन कर देना, ठीक है. हाँ जी, क्लियर बेटा. चलिए नेक्स्ट राइट डाउन. सब्स्टिट्यूशन के बाद सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं एडिशन रिएक्शंस. द सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस आर एडिशन रिएक्शंस. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एडिशन? ऐड होना. यहाँ पर क्या ऐड हो रहे हैं? एटम्स ऐड होंगे, ठीक है. और एक बात हमेशा याद रखनी है डैड, द एडिशन इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ मल्टीपल बॉन्ड. मल्टीपल बॉन्ड कौन से होते हैं? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. ओके, एडिशन रिएक्शंस दे ऑलवेज अकर इन केस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास और उन पाई इलेक्ट्रॉन्स को इजीली यूज करके जो नए एटम्स हैं वो ऐड हो सकते हैं. ओके, सो राइट डाउन द सिंपलेस्ट एग्जांपल. एल्कीन ले लिया मैंने, उसमें कोई ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं. नाउ द एडिशन विल प्रोसीड लाइक दिस. सिमेट्रिकल होगी, एक ब्रोमीन इसको मिल जाएगा, एक ब्रोमीन इसको मिल जाएगा. सिमेट्रिकल एडिशन है, ठीक है. सो नेक्स्ट राइट डाउन. नेक्स्ट राइट डाउन. डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो गया ना, ये देखो. सपोज एक तरफ ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो गया, ठीक है. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि यहाँ पर दोनों ब्रोमीन है, किसी एक को तो पॉजिटिव कहना पड़ेगा, किसी एक को नेगेटिव कहना पड़ेगा, ठीक है. अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास ले जाता है तो इन रिटर्न ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. सिमिलरली ऐसे बन जाएंगे स्पेशल. अगर इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करवा ली तो उसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है. सेम इसने जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अपनी तरफ शिफ्ट करवा ली है, ठीक है. तो ये टूट गया ना एक्चुअली बॉन्ड, ब्रोमीन ब्रोमीन वाला बॉन्ड तो टूट गया. इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. अब ये पॉजिटिव वाला किस तरफ अटैक करेगा और ये नेगेटिव वाला, तो आपका ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है. हाँ जी, क्लियर है. अगेन दीज रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. अभी जो मैंने आपको लिखवाई हैं इसमें दोनों हम सेम ले रहे हैं. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में क्या होगा? देयर विल बी द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फर्स्टली, ठीक है. सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आके ऐड होगा. अब जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल अभी दी है, इसमें हम HBr की एग्जांपल डिस्कस करते हैं. अब इसमें हमें डिफरेंशिएट कर सकती हूँ ना कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है. पहले में तो किसी ना किसी को बनाना ही पड़ना था ब्रोमीन के ऊपर, वैसे तो नेगेटिव चार्ज होता है. ओके, सो इफ वी कंसिडर दिस केस, ब्रोमीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए अपनी तरफ, ले लिए उसने, क्योंकि ब्रोमीन ने नेगेटिव बनना है इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेशल. हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? ये कहता मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ. इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव. इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले कौन ऐड होगा? इलेक्ट्रोफाइल. ओके, देयर विल बी द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फर्स्टली. तो CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज है? ये CH2 के ऊपर, बट इसके साथ हमने ये H ऐड कर देना है, विच इज एक्चुअली पॉजिटिव. तो यहां पर क्या बन जाएगा?
प्लस एंड दिस इज अ स्लो स्टेप। ये आप आगे पढ़ोगे स्लो या फास्ट स्टेप का मतलब क्या होता है, किसका नेगेटिव का, ये सी एच टू नेगेटिव था ना, इसके साथ ये एच पॉजिटिव ऐड हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये यहाँ आ गया, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तो इसने ऑक्यूपाई कर ली, सो दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स CH3। एंड इज दिस क्लियर, समझ आया यहाँ तक, स्लो स्टेप है, कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है तो ये स्टेबल प्रोसेस है, ठीक है, दिस इज द स्टेबल स्टेप एक्चुअली। ये आप बाद में सीखोगे स्लो स्टेप फास्ट स्टेप का क्या मीनिंग होता है, ठीक है, बट हमने यहाँ पर क्या बनाया है ये हमें पता है, वी हैव फॉर्म्ड, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या होगा, क्या बताया मैंने अभी आपको कि फर्स्ट स्टेप में देयर विल बी द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल भी तो पड़ा है, सो सेकंड स्टेप में कौन ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल, सो नाउ यू गेट CH3 CH2 एंड B, इज दिस क्लियर, एनी डाउट You can ask. किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा, फर्स्ट एक्स डाउट है कोई, क्लियर है, क्या किया हमने, ठीक है जी, करें नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक्स एडिशन रिएक्शंस क्लियर है, चलो आगे लिखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, नेक्स्ट राइट डाउन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक में क्या होगा, देयर विल बी एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फर्स्टली, ठीक है, देयर विल बी एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फर्स्टली, वहां पर हमने पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया था, अब इसमें हम पहले क्या ऐड करेंगे, न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, ओके, सो न्यूक्लियोफिलिक में सबसे पहले बात कर लेते हैं, इफ यू टॉक अबाउट HCN, HCN में आपको क्लियरली नजर आ रहा है दिस इज द पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज ड्यूरिंग द पार्शियल नेगेटिव, तो मेरा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये है CN नेगेटिव इज माई न्यूक्लियोफाइल, ओके, प्लस अब न्यूक्लियोफाइल ने ऐड करना है किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल पहले कब ऐड करेगा, जब वहां पर क्या क्रिएट करेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज है ना, न्यूक्लियोफाइल तभी अटैक कर सकेगा व्हेन एवर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फिर न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर ही नहीं सकता, ओके, अब सबसे पहले हमें डेफिशिएंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, कैसे क्रिएट करेंगे, डेफिशिएंसी कैसे क्रिएट करें इलेक्ट्रॉन्स की ताकि न्यूक्लियोफाइल ऐड कर सके, इसी में बताओ क्या चेंजेस होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक तो वो एक कैटेगरी होगी ना, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने ऐड करना, इसमें क्या हम चेंजेस करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजियर हो जाए, आपको सेंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे ना, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव वाले दो सेंटर्स बनाने पड़ेंगे तभी न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये तो स्टेबल मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोफाइल कहता है मैं कैसे आ जाऊं, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, अनस्टेबिलिटी लाओगे वो तभी ऐड होगा, अनस्टेबिलिटी इसमें कैसे लाऊं मैं, कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा तभी इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजियर हुआ, अब कहां पर न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा सबसे पहले, वेयर द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, पॉजिटिव पे कार्बन के ऊपर, यही आएगा पहले, उसके बाद हाइड्रोजन का अटैक शो कर सकते हैं हम, उसके बाद नेक्स्ट केस में हम हाइड्रोजन का अटैक शो करेंगे, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, व्हेन यू ऐड एच पॉजिटिव आयन,
हाँ जी कुछ यही बनेगा। यही बनेगा। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द फ्री रेडिकल रिएक्शन। चलिए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। करो बेटा इनिशिएट करो चेन, यहां से क्लीवेज करनी है आपने, यहां से तोड़ो उसको, चेन इनिशिएट करो। दिस इज एनी पेरोक्साइड, जो मैं लिखती हूँ ना बेंजोइल पेरोक्साइड, तो उसकी हमने एग्जांपल ली है कोई। इनिशिएट द चेन। चेन इनिशिएट हुई, क्या बनेगा यहां पे? हाँ जी यही बना। सेकेंड स्टेप में चेन प्रोपेगेट करेंगे, आगे चलाएंगे। ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, वेयर एच विल बी हैविंग and bromine will be having their own free radicals. Okay, now this H with its free radical, it will combine here and it will form ROH, and here we are having bromine free radical. मैंने यहाँ पे specifically HBr क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम attack हमेशा HBr का ही show कर रहे हैं ना। हाँ जी, addition reactions में एक positive और एक negative चीज ही attack कर रही है, तो HBr, HCN यही examples लेके चल रहे हैं ना हम, HCl। ओके तो पहले HBr एक रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट कर गया है परऑक्साइड के साथ, और उसने क्या दे दिया है? ब्रोमीन फ्री रेडिकल दे दिया। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप। अब चेन आगे हमने क्या करनी है? इनिशिएट करनी है, प्रोपेगेट करनी है, नॉट इनिशिएट, प्रोपेगेट करनी है। क्या तोड़ोगे अब आप? इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा? डबल बॉन्ड। और इसकी रिएक्शन होगी, कौन सा फ्री रेडिकल है बनाइए, फॉर्म द प्रोडक्ट्स। अच्छा प्रोडक्ट में भी अभी ये चीज भी आपको बाद में बताऊंगी मैं। This step, ये आप आगे जाके सीखोगे। अब ये ब्रोमीन फ्री है दोनों के साथ ऐड होने को, ये यहाँ पर भी ऐड हो सकता था, ये यहाँ पर भी ऐड हो सकता था, ठीक है? But why I specifically add bromine here? This is according to some of the rule that we will studying in the alkenes, ठीक है? ये एक स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड हुआ है, और वो जब हम एल्केन्स की रिएक्शन करेंगे सारी, वो मैं आपको तब बताऊंगी, ठीक है? फॉर द टाइम आपने याद रखना है अभी कि ये इसके साथ ऐड होगा, राइट? जब हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे फिर आप ये दोबारा जब पढ़ोगे तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगेन दिस बॉन्ड विल ब्रेक, वेयर एच विल बी हैविंग इट्स ओन फ्री रेडिकल एंड ब्रोमीन विल बी हैविंग इट्स ओन फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर क्या ऐड करना है हमने? आउट ऑफ एच एंड बी आर क्या ऐड करेंगे? क्या ऐड करेंगे? एच, क्योंकि ब्रोमीन ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ब्रोमीन ऑलरेडी ऐड हो चुका है ना। अब कौन सा ऐड होने वाला बाकी है? H है,
ठीक है, तो एच ऐड करो और प्रोडक्ट बताओ मुझे, एंड यू विल बी लेफ्ट विद ब्रोमीन फ्री रेडिकल. हाँ जी बेटा, क्या बनेगा लास्ट? लास्ट क्या बनेगा बेटा? सी एच ऐड नहीं किया हाइड्रोजन यहाँ पे, क्यों? फ्री रेडिकल तो इसके पास है, जिसके पास फ्री रेडिकल है उसी के साथ ही वो ऐड करेगा ना. हाँ जी, क्या बनेगा? सी एच थ्री, सी एच टू, बी आर प्लस एच फ्री रेडिकल, सॉरी बी आर फ्री रेडिकल. चेन टर्मिनेट कर दो, खत्म कर दो चेन. चेन विल बी टर्मिनेटेड बाय द पेरोक्साइड आयंस एंड बाय द ब्रोमीन फ्री रेडिकल. यही दो फ्री रेडिकल्स आपको नजर आ रहे हैं ना रिएक्शंस में, क्या नहीं? एक हमें बेंजोइल फ्री रेडिकल्स नजर आ रहे हैं, आर ओ वाले फ्री रेडिकल्स नजर आ रहे हैं, और एक बी आर फ्री रेडिकल्स नजर आ रहे हैं. उन दोनों को कंबाइन कर दो, चेन विल टर्मिनेट. हाँ जी डन कर लिया लास्ट में. देखो ना बेटा, इसके पास फ्री रेडिकल है, ये आपके पास दोनों टूट के फ्री रेडिकल दे देंगे. एक आपके पास एच फ्री रेडिकल आएगा, एक आपके पास बी आर फ्री रेडिकल आएगा. अगर मैं ऊपर वाला स्टेप देखूं तो इसमें बी आर ऑलरेडी ऐड हो चुका है. अगर आप ऊपर वाली रिएक्शंस देखो, उसमें मैंने एक में आपको एच सी एन ऐड करवाया है, एक में मैंने आपको एच बी आर ऐड करवाया है. एक एच ऐड होगा, एक सी एन ऐड होगा, एक एच ऐड होगा या एक बी आर ऐड होगा. इसमें मैं ऑलरेडी बी आर को ऐड कर चुकी हूँ, तो बाकी क्या बच गया? एच. तो ये एच फ्री रेडिकल जो है वो इसके साथ कंबाइन कर जाएगा. दो फ्री रेडिकल्स यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे यहाँ पर, और बी आर फ्री रेडिकल आ सकते. ठीक है जी, एनी डाउट? हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट राइट डाउन. कौन सी टाइप है नेक्स्ट? अब सब्स्टिट्यूशन कर ली, एडिशन कर ली है, एलिमिनेशन. सो राइट डाउन द एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन का मतलब क्या है? हम कुछ चीजें एलिमिनेट कर रहे हैं. जब एडिशन होती है तो जो आपका डबल बॉन्ड है वो सिंगल में चेंज हो जाता है, ये याद रखना है. व्हेन एवर देयर इज एडिशन द डबल बॉन्ड इट चेंजेस इनटू व्हिच बॉन्ड, व्हेन एवर देयर इज एलिमिनेशन द सिंगल बॉन्ड इट विल चेंज इनटू डबल और ट्रिपल बॉन्ड. रिवर्स हो गया, ठीक है? एडिशन में जो डबल बॉन्ड्स हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स जो हैं वो सिंगल में चेंज हो जाएंगे. एलिमिनेशन में जो सिंगल है वो किस में चेंज हो जाएंगे? डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स में चेंज हो जाएंगे. अब एलिमिनेशन रिएक्शन भी आपकी दो तरह से प्रोसीड करती है.